बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग खुश होंगे, मज़े में होंगे। विंटर्स को आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है और विंटर की बहुत सी मज़े की रेसिपीज़ होती हैं, तो क्यों ना मैंने सोचा मैं आपसे विंटर की जो स्पेशल रेसिपी है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और इसके बगैर तो विंटर्स का गुजारा ही नहीं है। और विंटर्स तो वैसे सबके फेवरेट ही होते हैं, मेरे तो बहुत ज़्यादा मुझे विंटर्स पसंद है। और विंटर्स में खाने पीने को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया जाता है, बाहर आप जाते हैं और घर में विंटर्स को इंजॉय करते हैं। तो बहुत सी रेसिपीज ऐसी होती हैं विंटर से रिलेटेड कि आप इनको बना के आप इसको एयरटाइट जार में करके रख दें और आप इसको पूरे विंटर्स में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बनाए हैं सब ड्राई फ्रूट, मैंने यहाँ पे यूज़ करूँगी। और मैंने बनाए हैं गोंद के लड्डू और बहुत ही ज़्यादा ये हेल्दी हैं और एनर्जी से फुल है ये रेसिपी। और आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। और बहुत ही मज़े की और यम्मी ये रेसिपी है, ये मेरी मम्मा की रेसिपी है, मैंने उन्हीं से पूछ के इसको फॉलो किया है। आपने सब स्टेप को फॉलो करना है, आपने किसी इस स्टेप को मिस नहीं करना है। और बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है, मेरी मम्मा तो ये हर साल विंटर्स में बनाती हैं और मैंने ही उनसे पूछ के ही बनाई है। और बहुत मज़े के ये अम्मी हमारे गोंद के लड्डू बनेंगे, इसके अंदर हम गोंद यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम मखाने और जितने भी सारे ड्राई फ्रूट्स हैं जिसमें वॉलनट्स हैं, बादाम है, पिस्ता है, खोपरा है, नारियल है, जो भी सारे ड्राई फ्रूट्स हमारे पास आपके पास जो भी हों अब वो आप इसमें ले सकते हैं। चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। रेसिपी के अंदर जो जो हम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। आपके पास अगर कोई चीज़ इसमें नहीं हो, कम हो, तो आप ना भी ऐड करें, ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप जितनी इसमें चीज़ें ज़्यादा डालेंगे तो आपकी जो रेसिपी है वो और ज़्यादा हेल्दी बनेगी और ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और जो इसका जो बेसिक इंग्रेडिएंट है वो है सूजी। हम यहाँ पे सूजी लेंगे और हम इसको बनाएंगे चीनी के साथ। आप चाहें तो इसको गुड़ के साथ ही बना सकते हैं, बट जो इसका टेस्ट है वो वाइट शुगर के साथ ही ज़्यादा अच्छा आता है। और अगर आप इसको बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैंने यहाँ पे देसी घी लिया है और इसके अंदर पहले मैं गोंद को फ्राई करके एक साइड पर निकाल के रख दूँगी। ये आप गोंद का कलर देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा कलर गोल्डन कलर की होती है और बहुत शाइनिंग करता है, जैसे डायमंड स्टोन होते हैं, गोल्डन, बहुत खूबसूरत लगती है ये। और फिर जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल फूल जाएंगे, ये डबल साइज़ में हो जाएंगे, डबल से बल्कि ट्रिपल साइज़ में ये हो जाएंगे। और फिर आपने इनको निकाल के साइड पे रख देना है और ये मज़े के क्रंची क्रंची हो जाएंगे, जैसे आप बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे जब ये फ्राई हो जाएंगे। आप इनको साइड पे रख दें और चाहें तो आप इसके अंदर कुछ नॉर्मल घी भी यूज़ कर सकते हैं, बट क्योंकि ये हम बना रहे हैं विंटर्स के स्पेशल हैं और ड्राई फ्रूट्स के साथ सब बना रहे हैं और सारी इसके अंदर हम हेल्दी इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये हमारी एनर्जी से फुल रेसिपी है। तो मैं इसके अंदर आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसके अंदर देसी घी यूज़ करें। अपने सब स्टेप को फॉलो करना है। आप देख रहे हैं मैंने सबसे पहले स्टेप पे मैंने यहाँ पे गोंद को अच्छे से फ्राई कर लिया है, फिर इसको हम साइड पे निकाल के रख देंगे ठंडा करने के लिए। फिर हम जो मखाने हैं इसको लेंगे और फूल मखाने इसको बोलते हैं, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। और इसको भी हमने इसी तरह 2 टेबल स्पून देसी घी लिया है और इसको हम फ्राई करेंगे। मैंने यहाँ पे देसी घी जो है 1/2 kg मैं यूज़ करूँगी कि हमारे पास 1/2 kg मैंने यहाँ पे सूजी ली है और 1/2 kg ही मैंने देसी घी लेना है। और इतनी ही मैं हम यहाँ पे शुगर लेंगे, लेकिन जो देसी घी है उसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है क्योंकि हम चीज़ों को जब इसमें रोस्ट करेंगे, पहले मैंने इनको फ्राई किया, गोंद को फ्राई किया, फिर मैंने फूल मखानों को फ्राई किया। अब सेम इसी तरह एज इट इज़ हम बादाम और काजू और जो हमारे पास पिस्ता है, आलमंड्स, कैशियो नट्स और पिस्ताशियो नट्स जो है, इनको हम फ्राई करेंगे देसी घी के अंदर। और बहुत ज़्यादा इसको रोस्ट नहीं करना है, जस्ट आपने इसको स्लो टू मीडियम फ्लेम पर जस्ट 2 मिनट्स इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है, रोस्ट करना है, ताकि जो इसका फ्लेवर है और जो हम बनाएंगे तो ये इसमें इसका जो फ्लेवर है और ज़्यादा अच्छा आता है, क्रंच क्रंच आता है। उसमें हम ऐड करेंगे वॉलनट्स। वाओ, ये तो बहुत ज़्यादा हेल्दी इंग्रेडिएंट्स हैं सारे। आपको वॉलनट्स जो है और जितने भी यहाँ पे ये पीनट्स भी इसके अंदर आ गई हैं, वाओ यम्मी पीनट्स। अच्छा, जितने भी इसके अंदर आपको पता है इंग्रेडिएंट्स सारे हेल्दी हैं, सबकी आप इनके बेनिफिट्स के बारे में आप सब जानते हैं, आप सब लोगों को पता होगा कि ये कितने ज़्यादा हेल्दी होते हैं स्पेशली विंटर्स में। और आप इसको आम दिनों में भी ले सकते हैं, समर्स में भी ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं इसलिए इसको ज़्यादातर विंटर्स में लिया जाता है। और ये देखें, ये हमारा अच्छा सा ये हमने इसको फ्राई करना है, हमने बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना है, बस हमने इसको जस्ट 2 से 3 मिनट्स इसको हम फ्राई करेंगे, बिल्कुल हल्का सा रोस्ट करेंगे और फिर हम इसको साइड पे निकाल के रख देंगे। इसकी क्वांटिटी मैंने आपको बताई है कि आप क्वांटिटी अपने हिसाब से ले सकते हैं, आप जितना इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहें। मैंने तो इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स तकरीबन 200 ग्राम या 150 ग्राम, आपने सब चीज़ें ले लें। जैसे आपके सारी जो डिटेल्स है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी छुआरे
वो अक्सर लोगों को पसंद नहीं होते हैं, तो आप चाहें तो इसको स्किप भी करें, बट मुझे तो पसंद है। मैंने यहाँ पे खजूर भी ऐड की है और इसके अंदर मैंने छुआरे भी ऐड किए हैं, और ये मैंने कद्दूकश करके जो क्रश कर लिया था नारियल को, जो हमारा ड्राई खोपरा होता है वो, और यहाँ पे खजूर ऐड की, और मैंने इंजीर भी इसके अंदर ऐड की है, और छुआरों को भी मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था, उसके अंदर जो गुठली होती है मैंने उसको निकाल दिया है, और इसको भी हमने हल्का सा फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो इनको नहीं फ्राई करें, लेकिन मैं इसको फ्राई इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो हमने इसके अंदर डेट जो इसके अंदर मैंने डाली है, खजूर जो इसके अंदर मैंने ऐड की है, उससे जो है इसके जो मॉइस्चर होता है वो इसका बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और ये अच्छे से कुक हो जाएंगी। बस हमने जिसको 2 मिनट से 3 मिनट इसको हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो निकल जाए, ताकि क्योंकि हम इसको काफ़ी टाइम के लिए इनके लड्डू बना के रखेंगे तो फिर हमारे ताकि ख़राब नहीं हो, लॉन्ग टाइम तक हमारे ये रहें। अब एक साइड पर हम पानी को हमने बॉयल करने के लिए रख दिया है। जस्ट मैंने इसके अंदर, जैसे मैंने 1/2 kg चीनी इसके अंदर यूज़ की है, और मैंने आपको बताया इसके अंदर गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं और आप हनी भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वाइट शुगर ऐड कर रही हूँ, और ब्राउन शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। और हमने एक साइड पे पानी डाल के चीनी के अंदर एक साइड पे रख दिया, उसके अंदर हम इलायची पाउडर डालेंगे, या आप ना भी डालें वो हम सूजी के अंदर डाल देंगे, और उसको हमने एक साइड पे पकने के लिए रख दिया है। और अब दूसरे स्टेप पे आते हैं, हम साथ ही साथ आप ये काम करें तो आगे आपके आपका जो काम है वो जल्दी हो जाएगा। और एक साइड पे मैंने यहाँ पे सूजी रख ली है जिसके अंदर मैंने देसी घी डाला है, फिर उसके अंदर पैन को हीट करके मैंने इसके अंदर देसी घी ऐड किया, फिर उसके अंदर मैंने डाली है सूजी, और उसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। पहले हल्का हल्का हमने फ्राई करना है इसको, स्लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। आपने जो इसकी जो आंच है जो चूल्हे की होती है हीट, उसको आपने ध्यान से आपने इसको रखना है बिल्कुल स्लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है। अगर आपने इसकी ज़रा सा भी फ्लेम ज़्यादा होगा तो हमारी जो सूजी है वो जल जाएगी। ये जो सूजी हम जो इसको भूनेंगे ये काफ़ी टाइम लगाएगी, आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ, बहुत ज़्यादा सब्र के साथ आपने इसको कुक करना है, जल्दबाजी नहीं करनी क्योंकि फिर वो फ्लेवर नहीं आएगा जो आना चाहिए इसका। कम से कम जो आपकी सूजी है ये 15-20 मिनट्स तो आपके लेगी। स्लो टू मीडियम फ्लेम पे आप इसको फ्राई करते रहें। देसी घी डाला आपने, सूजी को फ्राई किया, फिर जो मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स तो मैंने फ्राई कर लिए थे आपको फर्स्ट स्टेप में मैंने दिखाया था, बट मैंने इसके अंदर इलायची पाउडर है और जो चारों मगज होते हैं, जो बीज होते हैं हमारे पास सीड्स, वो मैंने इसके अंदर इस स्टेज पर मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं, इलायची पाउडर, और जो छोटी इलायची होती है वो पीस के हमने साइड पर रख लिया था, और जो चारों मगज हैं वो इसके साथ आप फ्राई करें। मेरी मम्मा भी ऐसे ही करती थी तो मैंने इसी तरीके से फ्राई किया। चाहें तो आप उन सब इंग्रेडिएंट्स में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बट इलायची पाउडर अगर आप सूजी के साथ फ्राई करेंगे तो उसका जो फ्लेवर है और ज़्यादा अच्छा आएगा। अभी तक देखिए हमारा जो ये शुगर सिरप है ये रेडी हो रहा है। मैंने यहाँ पे बिल्कुल जैसे चाशनी सी बनानी है और उसको आपने चेक करना है, ये देखें फिंगर्स की मदद से, अगर इसके अंदर तार आता फील होता है आपको तो ये हमारी तकरीबन रेडी है, और अगर नहीं आ रहा है तो इसको आप पकने दें। और एक साइड पे हमारी ये सूजी अच्छे से भुन रही है, और इस तरीके से आपकी टाइम सेविंग भी होगी कि आपने एक साइड पे चीनी के अंदर पानी डाल के आप चाशनी बनने के लिए रख दें और एक साइड पे आप अपनी सूजी को भुनें। अगर आप ये नॉर्मल दिनों में जा रहे हैं तो आप इसके अंदर ज़्यादा ड्राई फ्रूट ऐड नहीं करें, आप थोड़े ड्राई फ्रूट ऐड करके आप इसकी कतली जो होती है स्मॉल पीसीज में वो भी आप बना सकते हैं, जैसे लाइक बर्फ़ी होती है, बर्फ़ी के पीसीज होते हैं, और चाहें तो आप इसके लड्डू बना लें। अक्सर लोग इसको चक्की के आटे में भी बनाते हैं और बेसन में भी बनाते हैं, बट सूजी के अंदर इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। ये हमने सारे जो ड्राई फ्रूट्स थे हमारे पास, मखाने थे, गोंद था, और जो भी जितने भी मैंने सारे नट्स लिए थे जिसमें इंजीर है, खजूर है, और इसके अंदर ड्राई फ्रूट जितने भी है सब वो मैंने साइड पे एक जगह रख दिया है। और अब ये देखें हमारी जो चाशनी है वो अच्छे से पक गई थी, अब हम इसके अंदर हमने सूजी के अंदर इसको ऐड कर दिया, इसको अच्छे से करेंगे मिक्स और फ्लेम को कर देंगे ऑफ। इस स्टेज पे आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है, आपने सब स्टेप को ध्यान से देखना है, आपने कोई स्टेप मिस नहीं करना है। बहुत ज़्यादा ईजी है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, और आपके बहुत ज़्यादा इजीली ये बन जाएगा। और अब आपने फ्लेम को ऑफ़ कर लिया और आपने इसको तेज़ी से इसको चम्मच चलाना है, फ्लेम को आपने ऑफ़ कर दिया। जो पीसा नारियल था मेरे पास वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, कोकोनट पाउडर जो था वो। अब इसके अंदर हम सारे जो ड्राई फ्रूट्स थे हमारे पास और जितने भी मैंने सब चीज़ों को जो फ्राई किया था, हल्का सा जो मैंने रोस्ट किया था देसी घी के अंदर, मखाने थे और गोंद था, इन सबको हम मिक्स करेंगे और फिर इसको आपने अच्छे से इसको मिक्स करना है। आप किसी की हेल्प ले लें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो आप इसको जल्दी जल्दी इसको आपने मिक्स करना है। मैंने अपने हस्बैंड को ही बोला था, उन्होंने इसको अच्छे से मिक्स किया है। ये दो जनों का काम है, आप अकेले, क्योंकि संभालना मुश्किल हो जाता है कि जब इसके अंदर आप चाशनी, सूजी के अंदर चाशनी ऐड करेंगे और ड्राई फ्रूट्स सब ऐड
करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। फिर आप देख रहे थे कि मैंने इसको अच्छे से जमा लिया, चाहें तो आप इसको ऐसे कट करके बना लेंगे, इसकी बॉल्स बना लें, बॉल्स बना के आप लड्डू बना सकते हैं इसके, और आप इसको एयर टाइट जार में इसको स्टोर कर लें। चाहें तो आप इसको बॉल्स बनाएं, आप इसको ऐसे ही कटिंग करके भी रख सकते हैं, बट बॉल्स से ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।